सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो। मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पेज फाइंड आउट किया है, दैट्स सो गुड, एंड उसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, उनका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है क्या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उनके जो प्रोडक्ट हैं बेसिकली मिंत्रा और कह सकते हैं नायका फैशन, उनके जो भी क्लोथ्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल लाइक 1/4 प्राइस में मिल जाएगा। अगर कोई ड्रेस 2000 के लो 349, उससे भी मतलब 1/4 से भी कम ही मिल जाएगी आपको। और चाहे तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब वेराइटी है, टॉप्स हो गए, जम सूट हो गए, ड्रेसेस हो गए, ए लाइन ड्रेसेस हो गई, शॉर्ट ड्रेसेस हो गई, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब वेराइटी, यू नो, बॉटम्स वगैरह। सो येस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस पेज का नाम भी मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ, उसका नाम है शी यू करके है, एक ऑफिशियल पेज है। तो आप चाहे तो उसकी वेबसाइट पे भी, जैसे मतलब पेज पे जाके, वेबसाइट पे जाके भी आप शॉप कर सकते हो इजीली, दिक्कत नहीं है। उसके साइजेस मैं आपको बता देती हूँ, XS to XXL तक है प्रॉपर, जितनी भी मतलब प्रॉपर जो ड्रेसेस हैं। सो जो भी आपको मतलब बाय करना हो, कुछ भी हो, सबकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। बेसिकली उसका मैं आप पेज डाल दूंगी और साथ में उसकी वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगी। तो इधर ड्रेसेस ही ली है, और एक बहुत ही अच्छी सी चनिया चोली है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक में है, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने बेसिकली लिए हैं, आई थिंक 6 प्रोडक्ट लिए हैं, और 6 प्रोडक्ट में सारे काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे को थोड़े लूज है, क्योंकि मेरे साइज में अवेलेबल नहीं था, बट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो मेरे को लाइक मैंने बोला कि यार मेरे को एस भी सही लगेगा, एस भी आ जाएगा मुझे, तो आई विल जस्ट डू फिटिंग एंड ऑल। अगर आपको मतलब प्रॉपरली वो प्रोडक्ट मिल रहा है आपके साइज में, तो यार प्लीज़ वेट मत करना कि हाँ अभी फिर रीस्टॉक होगा, कुछ रीस्टॉक नहीं होता है। तो आप क्या है, फटाफट से वो चीज़ें ले लो, क्योंकि ना अब नया फैशन आता है तो नई चीज़ें स्टॉक में आती है, फिर वो चीज़ आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ आपकी पुरानी है वो फिर से रीस्टॉक होंगी, रीस्टॉक नहीं होंगी। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट है आप तुरंत लेना, क्योंकि यार मैंने तो बहुत लेट कर दिया, इसलिए मेरे को मतलब थोड़ा साइज इश्यू रहे, बट कोई नहीं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उनके क्लोथ बहुत अच्छे हैं। और बेसिकली जितनी भी ज़्यादा ड्रेसेज है वो समर ड्रेसेज है, आप चाहे तो विंटर में भी स्टाइल कर सकते हैं। यू गाइज नो हैक्स ऑफ विंटर ड्रेसिंग, यू नो। सो येस, फर्स्ट जो है वो है ये वाली ड्रेस, और दिस इज सो प्रिटी, लाइक इट्स अ ए लाइन ड्रेस, क्योंकि मैंने सारी लॉन्ग ड्रेस ली है। मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ सारी लॉन्ग ड्रेसेस है, क्योंकि काफ़ी लोगों को शॉर्ट ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग ड्रेसेस ली जाए, और आई वॉन्ट टू ट्राई सम लॉन्ग ड्रेसेज ऑल्सो। तो ये ब्रांड है फेमेला ब्रांड है, दैट्स सो गुड ब्रांड। एक्चुअली मैं आई थिंक ये नायका पे है ये ब्रांड अवेलेबल। जो भी होगा ना आपके यहाँ इसका प्राइजेस वगैरह वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आप लोगों को, ओके। और ये साइज है एस, ठीक है, एक्सेस अवेलेबल नहीं था तो मैंने एस लिया, बिकॉज मुझे थोड़ा लूज चाहिए था, क्योंकि मुझे इसको एक्चुअली मैं इंडो वेस्टर्न लुक की तरह ट्राई करना है, लाइक ऑक्सटेज ज्वेलरी एंड दिस एंड वाइट पैंट गो विद द लुक, सो अमेजिंग। आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, उसका क्लोथ सो गुड, 10/10, मतलब इसका जो कपड़ा है समर में आप बहुत अच्छे से इसको स्टाइल कर सकते हो, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, थोड़ा शीयर है अंदर से, कुछ आप वेयर कर सकते हो, बहुत क्यूट लगता है ये। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो भी लॉन्ग ड्रेस है, और मैं इसको प्रॉपरली कुर्ती की तरह ही स्टाइल करूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। लॉन्ग ड्रेस की तरह भी आप लोग स्टाइल कर सकते हो, ठीक है, और बहुत प्यारी सी ड्रेस है, लाइक दिस इज, एंड दिस इज गिमगैम प्रिंट ऑन ओवर ऑल ओवर दिस, दिस इज लाइक ब्लूइश, लाइट ब्लूइश कलर का, मतलब डार्क कैसा ब्लू, नॉर्मल जो ब्लू होता है रॉयल ब्लू वाला भी नहीं, थोड़ा सा वैसा, और बहुत ही प्यारा है। इसका कपड़ा इज कॉटन, एंड द ब्रांड इज सेम फेमेला ब्रांड, एंड सेम साइज एस, ओके। तो ये इसका जो नेक है इसकी बहुत अच्छी डिटेल है, यू नो गाइस, अगर आप चाहो तो इसके बटन थोड़े ओपन अप कर सकते हो, अंदर कोई स्पैगेटी डाल सकते हो, तो और भी क्यूट लगेगा, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा टॉप लगा ये, टॉप के लिए ड्रेस लगी, और इसको भी मैं एज ए इंडो वेस्टर्न लुक के लिए बहुत अच्छी लगेगी, लाइक वाइट प्लाजो और प्रॉपर लाइक यहाँ पे
जंक ज्वेलरी वगैरह वेयर करके अच्छे से बन बना के पीछे लुक्स अमेजिंग. सो ये मुझे काफी काफी अच्छी लगी, काफी क्या बहुत अच्छी लगी. थर्ड है वो मेरे को सबसे अच्छी लगी. आप लोग सबसे साड़ी तो अच्छी लगी आपको, मुझे साड़ी अच्छी लगी. तो ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी. दिस इज इन येलो और मुझे काफ़ी टाइम से ये वाली येलो ड्रेस लेनी थी. एंड मैंने ये मिंत्रा पे हर जगह देख ली बट मेरे को लगा कि यार दिस इज वेरी चीप हेयर. तो मैंने ये भी फेमेला ब्रांड से है, एस साइज है इसका और ये रैप अराउंड ड्रेस है. यू कैन सी ये पूरी ओपन है तो आप लोग यहाँ पे ना एक होल रहेगा उसके अंदर से आराम से आप रैप कर सकते हो. बाकी आप ट्राई ऑन पे देख लेना कहता है और प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिखी जाएंगे. सो यार दिस इज सो सो डैम प्रिटी, यू नो बहुत लाइट है. अगर आप समर में कुछ पहनना चाहो अंदर शॉर्ट्स पहन सकते हो वाइट कलर के और एक अच्छा सा स्पैगेटी, या फिर ब्लैक में भी कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो अंदर उसमें मतलब अच्छा स्पैगेटी डाल लो ब्लैक और नीचे शॉर्ट्स तो भी बहुत अच्छा लगेगा. फोर्थ है वो भी एक कुर्ती है, कुर्ती कह रही हूँ ड्रेस है. मतलब मैं एक्चुअली मैं इनको इंडो वेस्टर्न के होप से ही लिया है मैंने प्रॉपरली, लाइक इंडियन कल्चर में जैसे इंडो वेस्टर्न लुक आता है वैसे के लिए ही लिया है मैंने. तो ये भी एक मतलब कुर्ती है. दिस इज इन ब्लू ऑल्सो, मुझे पता नहीं क्यों ऑब्सेशन रखे ब्लू से क्या है. सो या इसमें ना ऐसे स्ट्रिंग्स से मतलब प्रॉपरली बना हुआ है और नीचे दो पॉकेट है, रियल पॉकेट है. सो बहुत क्यूट लगती है ये और ये एक्चुअली मैं मेरी भाभी को बहुत पसंद आई है. सो आई विल गिव इट टू हर, शी विल यूज दिस बट कभी कभी मैं पहनूंगी. तो ये भी कॉटन मटेरियल में है, सेम है ये एक्सेस साइज में. ओके ये एक्सेस है और ये थोड़ा सा लूज आएगा आप लोगों को, ठीक है. तो ये मैक्सिमम मैं कह सकती हूँ मीडियम वाले ले लेना, वो उनके लिए बहुत सही रहेगा वरना थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, वो लिटिल बिट लूज है मुझे. जो फिफ्थ है वो बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस है और मैंने इसको कितनी बार पहन पहन के देख लिया है ऑलरेडी, मुझे बहुत अच्छी लगी. थोड़ी लॉन्ग ड्रेस है, मैं इसको कट करने के कह रहे थे बट मम्मा कह रही नहीं इट्स लुकिंग गुड. तो ये एक्चुअली अगर आप कोई ब्लेजर वगैरह पहन के मतलब एकदम बहुत सही वाला लुक आएगा इसका. तो ये थोड़ी सी ना मतलब कॉटन मटेरियल में ही है और इसका नेक बहुत प्यारा लगता है, लाइक थोड़ा सा डीप है. सो आप कुछ अंदर पहन सकते हो लाइक ब्रालेट वगैरह तो बहुत क्यूट लगेगी. और यहाँ पे मतलब इसका ऐसे हैंड मतलब फुल हैंड वाली है और इसका थोड़ा वी नेक है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. लाइक यहाँ पे से जैसे होता है ना काफ्तान वाला वैसा लुक है इसका और नीचे से इसका एक स्लिट है छोटा सा ये और बाकी मतलब स्लिट नहीं है ऊपर से एक डिज़ाइन है, स्लिट नहीं है प्रॉपर. सो यस और यहाँ पे सिंच वाला मटेरियल है थोड़ा सा वाला डिज़ाइन है, बहुत अच्छी है ये ड्रेस. इसका कलर बहुत वाइब्रेंट है, लाइक इसको ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लगेगा, पेयर कर सकते हो ओवरकोट वगैरह डाल के, नीचे स्टॉकिंग्स डाल के ब्लैक कलर की और बूट्स डाल के दैट विल लुक कूल और एक बेल्ट लगा लेना गुड टू गो. सो गाइज मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, वो मेरा फेवरेट आउट ऑफ फेवरेट है. आई विल जस्ट शो यू, थोड़ा सा दिख गया होगा. दिस इज लाइक अ इंडो वेस्टर्न चनिया चोली. यू कैन वेयर मतलब डिफरेंटली वेयर कर सकते हो आप, मतलब ऊपर वाली जैकेट जो है वो आप अलग से भी वेयर कर सकते हो एज अ जैकेट और लाइक जीन्स वगैरह पे. तो दिस इज सो प्रिटी गाइज, सो नाइस. इसमें चेन है, आप आराम से लगा सकते हो. सामने से इसका चाइनीज कॉलर है और पीछे से ऐसा सर्कल है तो आप चाहो तो इसके नीचे से शॉर्ट करके भी पहन सकते हो.
ठीक है, बहुत अच्छा है ये, बहुत क्यूट लगता है मेरे को ये। ज़्यादातर मतलब कोई जीन्स वगैरह पहनो, उसके ऊपर छोटा सा क्यूट टॉप पहनो, ट्यूब टॉप उसके ऊपर पहन लो, लव डेट। मतलब एक पूरा पार्टी लुक बन सकता है इंडियन, मतलब पूरा वेस्टर्न पार्टी लुक। और अगर आपको पूरा इंडियन लुक बनाना है तो इसके साथ आपको इसकी ऑब्वियसली चनिया मिलती है, दैट इज सो सो डैम प्रिटी। तो ये जॉर्जेट का कपड़ा है, कौन सा शिफॉन का कपड़ा होता है किस क्या कपड़ा होता है, पहले जो साड़ी का कपड़ा होता है मुझे ना इसका नाम याद नहीं, बट हाँ सो गुड। इसका घेरा लाइक सो प्रिटी, आई थिंक 500 समथिंग का है ये, जो भी है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। और ये इसका घेरा मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊँ, बाकी आपको चाइना में दिख जाएगा, देखो इसका घेरा सो गुड। और ये देखो इसकी वेस्ट, और यहाँ पे ना इसके प्रॉपरली डिटेल दे रखे, अगर आपको हैंगर वगैरह पे टांगना हो कैन जस्ट पुट लाइक दिस। एंड यहाँ पे चेन है, इसका साइज M है, तो मेरे को थोड़ा बड़ा साइज ही मिला, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी, क्योंकि मैं वीडियोज वगैरह शूट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इनकी ना कुछ कुछ मैं रील्स भी बनाऊंगी, सो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे मैं कैसे स्टाइल करके रील्स बनाने वाली हूँ। सो यस दिस इज सो सो, मतलब लाइक यहाँ पे पूरा बॉर्डर है बहुत सुंदर सा उसे सेम क्लोथ का, और ये अंदर से भी बहुत अच्छी लाइनिंग है इसकी, लेट मी जस्ट शो यू, देखो इसकी लाइनिंग है, तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। दिस इज लुकिंग सो डैम हॉट, कैसे रेड हॉट, आई लव दिस चनिया चोली। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया है यहाँ से, बहुत अच्छा है ये वो, जो भी आप रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगे वैसे दे सकते हो आप अपने इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करके। और वीडियो अच्छी लगी तो ऑब्वियसली लाइक कर दो यार, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सअप पर शेयर करो कि यार देख चनिया चोली, किसी को लाइक शादी वगैरह में जाना है बहुत सिंपल लुक लेना है तो ये वाली चनिया चोली ले लो, और भी कलर है ऑरेंज ब्लू एंड बहुत सुंदर सुंदर गाउन भी है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो यस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एज आई सेड बिफोर रील्स वगैरह मैं बहुत क्यूट क्यूट ड्रेसेस में गेटअप में बनाती हूँ, तो वो भी देख लेना आप। तो तब तक के लिए बाय।